आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लंच बॉक्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी बनाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल सके। तो चलिए फिर टिफ़िन बॉक्स की रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो रेसिपी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कटोरी सूजी, आप मोटा या महीन कोई भी सूजी यूज कर सकते हो इस रेसिपी में। तो इधर गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, जिस कटोरी के माप से सूजी ले उसी कटोरी के माप से आप 1.5 कटोरी पानी डाल दें कढ़ाई में। गैस के फ्लेम को हमने ऑन कर दिया हुआ था पहले से। इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हो। चिली फ्लेक्स हम इसमें 2 से 3 चुटकी डाल रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि चिली फ्लेक्स डाल दिया हमने। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दे, और छोटे चम्मच से हमने थोड़ा सा रिफाइन ऐड किया है। साथ में डाला हमने सूजी, और जितना सूजी लिया है उसका 1/4 हमने नारियल का बुरादा यूज किया है। तो नारियल का बुरादा डाल के इसको मिलाते हुए 1 मिनट के लिए चला लेंगे गैस पे ही। गैस के फ्लेम को बंद कर दिया हमने, और इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हल्के हाथों से मिला लेंगे। तो ये देख सकते कितने अच्छे तरीके से मिल चुका है। चलिए अब इसका छोटे छोटे पीस में उसका हम टुकड़ा बन कर लेते हैं, और इसको गोल गोली का शेप दे देंगे। हाँ, तो इस तरीके से बना लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से बन के रेडी हो चुका है। इधर गैस पे हमने पतीले में 1 गिलास पानी चढ़ा दिया है, और उसके ऊपर जाली डालना है हमको। तो आप जाली में हल्का सा तेल लगा ले, तेल लगा के हम इसके ऊपर से डाल देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे अब हम इसके ऊपर से क्या करेंगे, सारे जो हमने नाश्ते को बना के रखा है ना, उसको हम इस पे डाल देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे जाली पे डाल के अब इसको हम ढक देंगे। ढक के आप इसको क्या करें, 10 मिनट के लिए स्टीम होने दें। 10 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पे ही इसको स्टीम कर लेना है। तो 10 मिनट हो चुका है, चलिए आपको हम ढक्कन खोल के दिखला देते हैं। अब अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं, और इसे एक बर्तन में फिर से ट्रांसफ़र कर लेंगे। इधर गैस पे चढ़ा देंगे फिर से हम कढ़ाई। तो कढ़ाई में डाल देंगे छोटा चम्मच से 1 चम्मच बटर। बटर डालने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा राई का दाना। अब ये कढ़ाई में देख सकते हो चटकने लगा है। अब हम इसमें डाल दे रहे हैं वो जो हमने गोली बना के रखा है ना सूजी वाला, वो डाल दे रहे हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग। पिज्जा सीजनिंग डाल के इसको मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए इसको चला लेंगे। यहाँ पे डाल देंगे इसमें हम 1 चम्मच टमाटो केचप, साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इसे दूसरे फ्लेवर का भी बना सकते हो, इसे बच्चों के लिए मैंने बनाया है इसलिए टमाटो केचप डाला है। आप इसमें क्या करें, छौंक लगाने वक्त रिफाइन तेल उसमें डाल दे, राई करी पत्ता और हरी मिर्च का छौंक लगा दे, उसके बाद मिलाते हुए चला ले 1 मिनट तक। उसके बाद सांभर मसाला डाल दे थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच, उससे अलग ही फ्लेवर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी गोली इडली बना सकते हो। आप लोगों को ये टिफिन बॉक्स की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम इसे टिफ़िन में डाल के पैक कर देते हैं। तो लंच बॉक्स बन के तैयार है। आज की लंच बॉक्स की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।